हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट एज द नेम सजेस्ट, ये वो ड्रग होंगी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करेंगी। अब बात ये आती है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जहाँ पे हमें सीएनएस स्टिमुलेंट की जरूरत पड़ती है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन एक बात जो हमें पहले दिमाग में रखनी है वो क्या है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हम जानते हैं। ठीक है, अगर पेरिफेरी में जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो हमारा लंग्स है, चाहे हमारे हार्ट हो गया, ये सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? अल्टीमेटली हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर इन ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम डायरेक्टली, तो देखो उन ऑर्गन्स पे काम करने वाली मेडिसिन हम दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम सीएनएस पे काम करें तो वहां से भी हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का रेस्पिरेशन फेल हो गया, यानी कि रेस्पिरेटरी फेलियर की सिचुएशन आ चुकी है, प्रॉपर जो इनहेलेशन गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस अगर वो नहीं हो रही है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो सीधे रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट मेड्यूला ऑब्लिंगाटा में प्रेजेंट है, उसे एक्टिवेट करती हूँ। तो ऐसी ड्रग देने से क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, और जब वो सेंटर एक्टिवेट होगा तो रेस्पिरेशन, जो हमारा ब्रीदिंग रेट है, वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे ओपियोइड्स है, ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक के साथ आपने क्या देखा था, उसका साइड इफेक्ट क्या था, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। तो अगर किसी इंसान को ओपियोइड की पॉइजनिंग हुई है, सपोज किसी ने मॉर्फिन वगैरह जो ड्रग ऑफ एब्यूज के अंदर भी आती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर ली है, तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। अब वो क्या होगा, उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है, वो टाइडल वॉल्यूम है, सबकी सब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ओपियोइड एंटागनिस्ट तो है ही है, नेलोक्सन वगैरह तो है ही है, लेकिन साथ में अगर नेलोक्सन की थेरेपी, ठीक है, फेल हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग हैं जो यूज कर सकते हैं, जो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेंगी, और उसकी वजह से जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, और जो ये डिप्रेस हुआ है रेस्पिरेशन, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, उसका स्टिमुलेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो जो सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें नहीं यूज करना है। ठीक हो गया, ये तो केवल एक एग्जाम्पल था कि रेस्पिरेटरी फेलियर को समझाते हुए मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को, किसी चीज में फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कोई दिया हुआ टास्क है उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसको एक प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, जो ये ADHD जो प्रॉब्लम है, इसमें यही सारी चीजें आती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी को है तब भी हम सीएनएस स्टिमुलेंट दे सकते हैं, सो दैट जो इंसान है वो किसी भी चीज पे फोकस कर सके, कॉन्सेंट्रेट कर सके, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो बढ़ सके। समझ रहे? ठीक है, तो इन्हीं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। चले देखें क्या है वो कैटेगरीज। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यूजेस बहुत सारे हैं, और उन्हीं यूजेस के अकॉर्डिंग इन्हें क्या किया हुआ है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो देखते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है हमारी, सबसे फर्स्ट कौन सी कैटेगरी है, कन्वल्जेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, कन्वल्जेंट। दूसरी कैटेगरी में जो मेडिसिन आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालेप्टिक्स। ये इनके यूजेस के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाई किया है, ध्यान में रखिएगा। और लास्ट कैटेगरी आती है हमारी साइको स्टिमुलेंट। ओके, तो चलिए वन बाय वन सारी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कन्वल्जेंट की। तो कन्वल्जेंट बेसिकली आपकी वो कैटेगरी है, ठीक है, इस कैटेगरी में जितनी भी मेडिसिन आती हैं उनको लेने के बाद कन्वल्जन्स आते हैं।
ठीक है, जैसे आप देखते हो ना इपिलेप्सी, इपिलेप्सी में कन्वल्जन्स आते हैं, मिर्गी का दौरा जिसे बोलते हैं हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग यूज करते हैं, यही करते हैं। इस कैटेगरी में जितनी भी ड्रग है सबके साथ सब क्या करते हैं, कन्वल्जन इंड्यूस कराते हैं, और यही रीजन है कि इस कैटेगरी में आने वाली ड्रग्स को अब यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि इस कैटेगरी में आने वाली ड्रग को, जैसे किसी का रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, सर्कुलेटरी फेलियर हो गया, तो उस केस में यूज किया जाता था क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती थी। लेकिन क्योंकि इनके साथ कन्वल्जेंट इफेक्ट है, बहुत कम डोज में भी कन्वल्जन्स आने लगते हैं, तो इसीलिए इन ड्रग्स को अभी यूज नहीं किया जाता है। केवल एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जरूर यूज करते हैं, लाइक सपोज अगर आपने कोई ऐसी ड्रग बनाई है जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग आपने करनी है, तो आपको एक एनिमल मॉडल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एनिमल पे ही तो टेस्टिंग होती है, तो जो एनिमल में एपिलेप्सी को पहले हमें इंड्यूस कराना पड़ेगा, है ना। इंसान तो बीमार है, इंसान को तो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एनिमल में ड्रग टेस्ट करना चाहते हो तो हेल्दी एनिमल में थोड़ा इफेक्ट पता चलेगा, पहले आपको एनिमल को क्या करना पड़ेगा, कन्वल्जन इंड्यूस कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इन कैटेगरी की मेडिसिन को यूज करते हैं, क्योंकि इनको लेने के बाद कन्वल्जन आते हैं, और फिर आप उस एनिमल को एंटी कन्वल्जन ड्रग, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग दे के पता लगा सकते हैं कि आपकी जो ड्रग बनी हुई है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। समझ में आ गया। तो कन्वल्जन की कैटेगरी में देखो कौन कौन सी मेडिसिन आती है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो मेरे पास है वो है स्ट्राइक्निन, ठीक है, स्ट्राइक्निन। इसके बाद जो है वन बाय वन हम करेंगे, सबसे पहले स्ट्राइक्निन को समझ लेते हैं। देखो स्ट्राइक्निन जो है आपका, ये आपकी है ग्लाइसिन एंटागोनिस्ट, ग्लाइसिन एंटागोनिस्ट। अब एक बात ध्यान में रखो, आप खुद सोचो अगर किसी भी मेडिसिन को लेने के बाद कन्वल्जन्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रही है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बीच का जो बैलेंस है उसे बिगाड़ रही है। ठीक है, ब्रेन में जब आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम होता है और एक्साइटेटरी का ज्यादा होता है तभी जाके तो कन्वल्जन्स आते हैं। ठीक है, और आप जानते हो अगर मैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूं तो दो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास हैं, कौन कौन सा, पहला तो हुआ ये ग्लाइसिन, दूसरा क्या है गाबा। ठीक है, इसके अलावा भी है बट मेजर ये दो हैं जिनसे अभी हमें मतलब है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो जो ड्रग कन्वल्जन्स प्रोड्यूस कर रही है इसका मतलब वो जो ब्रेन में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनके लेवल को कम कर रही है, या तो उनके लेवल को कम कर रही है या फिर उनके इफेक्ट को कम कर रही है। समझ में आ रहा है। अगर सोचो ब्रेन में केवल एक्साइटेशन ही हो, इनहिबिशन बिल्कुल ना हो, तो क्या होगा, कन्वल्जेंसी तो आएंगे। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ड्रग देखो स्ट्राइक्निन कैसे काम करती है, ये ग्लाइसिन एंटागनिस्ट है। ठीक है, ग्लाइसिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होके इनहिबिशन देता है, लेकिन ये ग्लाइसिन के रिसेप्टर को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, सो दैट ग्लाइसिन होते हुए भी अपना इफेक्ट ना दिखा सके। तो होगा क्या, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट नहीं दिखा रहे, एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से कन्वल्जन आएंगे ना। मैकेनिज्म समझ में आया स्ट्राइक्निन का, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है जो इस कैटेगरी में आती है वो कौन सी है आपकी, पिक्रोटॉक्सिन। ठीक है, अब ये पिक्रोटॉक्सिन क्या करती है, देखो ये गाबा पे काम करती है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, मैं यहीं पर लिख देती हूं, ब्लॉक्स द ओपनिंग ऑफ गाबागेटेड क्लोराइड चैनल। सबको पता है गाबा जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्या करता है, वो बाइंड होने के बाद क्लोराइड चैनल को ओपन कर देता है ना, सेल के अंदर क्लोराइड आयन जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन होता है और इनहिबिशन आता है। गाबा ऐसे तो काम करता है, गाबा ए की मैं बात कर रही हूं, जब गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पिक्रोटॉक्सिन की एक खासियत है, देखो ये ऐसा नहीं है कि ये जैसे ग्लाइसिन के, ये स्ट्राइक्निन क्या कर रहा था, ग्लाइसिन की जगह खुद बाइंड हो जा रहा था, लेकिन पिक्रोटॉक्सिन क्या करता है, गाबा के रिसेप्टर से बाइंड जरूर होता है लेकिन गाबा की बाइंडिंग साइट पे नहीं होता, गाबा को वो बाइंड होने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाबा रिसेप्टर में एक आपकी एलोस्टेरिक साइड है वहां पे जाके ये पिक्रोटॉक्सिन बाइंड हो जाता है। ठीक है, उसकी बाइंडिंग की वजह से क्या करता है, अब गाबा के थ्रू जो क्लोराइड चैनल ओपन होते थे ना उन्हें ओपन ही नहीं होने दे रहा है। समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो पिक्रोटॉक्सिन हालांकि गाबा के एक्शन को ही रोक रहा है, लेकिन रोकने का तरीका अलग है। जो गाबा की बाइंडिंग साइड है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, गाबा आए बाइंड होए, लेकिन पिक्रोटॉक्सिन उसी रिसेप्टर में एक अलग से साइट है वहां पे बाइंड होगा और क्लोराइड चैनल को ओपन नहीं होने देगा। क्लोराइड चैनल ओपन नहीं होंगे तो इनहिबिशन नहीं होगा, इनहिबिशन नहीं होगा तो एक्साइटेशन और इनहिबिशन के बीच बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अपना इफेक्ट दिखाएंगे और कन्वर्जन प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया, तो ये था पिक्रोटॉक्सिन। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो क्या है आपकी, बाइक्यूक्यूलिन। अब भाई ये बाइक्यूक्यूलिन कैसे एक्ट करती है, ये भी गाबा पे ही एक्ट करती है, ये सीधे सीधे क्या करती है, रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, ब्लॉक्स गाबा ए रिसेप्टर। इसकी कोई अलग से साइड नहीं है, जो गाबा ए रिसेप्टर है वहां पे जो गाबा की जो बाइंडिंग साइड है सेम उसी बाइंडिंग साइड में खुद जाके बैठ जाएगा, गाबा को बाइंड होने नहीं देगा, तो क्लोराइड चैनल ओपन नहीं होंगे और इनहिबिशन नहीं आएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों कर यही रहे, गाबा के एक्शन को आने से रोक रहे हैं, लेकिन इसका तरीका अलग है, इसकी बाइंडिंग साइड अलग है। बाइक्यूक्यूलिन सेम उसी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा, सेम वही रिसेप्टर पे बाइंड होगा जहां पे गाबा बाइंड हुआ करता था, और एक्शन क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट हमारे पास जो इस कैटेगरी में ड्रग आती है वो है पीटीजेड, फिनाइलिन टेट्राजोल। ठीक है, अब ये जो पीटीजेड है आपकी, ठीक है, फिनाइलिन टेट्राजोल, ये कैसे काम करती है, ये क्या करती है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है उनको डायरेक्ट उनका डीपोलराइजेशन कर देती है। ठीक है, मैं लिख लेती हूं, डीपोलराइजेशन ऑफ सेंट्रल न्यूरॉन। तो क्या होगा, देखो ये डायरेक्ट डीपोलराइजेशन जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है उनको डायरेक्टली डीपोलराइज कर दे रही है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन जो हमारा गाबा का क्या फंक्शन होता है, गाबा क्या करता है, जब भी अपना रिलीज होता है वो आगे आने वाले न्यूरॉन को डीपोलराइज नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पीटीजेड ने क्या किया, गाबा के इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस को क्या किया आपका, नेगेट कर दिया, क्योंकि गाबा इनहिबिशन देता, ठीक है, लेकिन ये पीटीजेड ने क्या किया, जो न्यूरॉन्स थे उन्हें डायरेक्टली डीपोलराइज करना स्टार्ट कर दिया, तो गाबा का इनहिबिटरी जो इन्फ्लुएंस है वो न्यूरॉन्स पे नहीं पड़ रहा है, इसी वजह से क्या आएंगे आपके, कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाएंगे, जब गाबा अपना इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, गाबा इनहिबिशन करता था, लेकिन वो इनहिबिशन को किसने खत्म कर दिया, ये डायरेक्ट डीपोलराइजेशन ने। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, गाबा का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जितने भी कन्वर्जेंट हैं, कन्वर्जेंट की कैटेगरी में जितनी भी ड्रग हैं, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट के साथ क्या कर रही है आपकी, आप बोल सकते हो उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर रही है, चाहे पहली वाली जैसे ग्लाइसिन को कर रही थी, रिमेनिंग सारी गाबा के साथ आपका क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो ये थे आपकी कन्वर्जेंट जो आपको दिमाग में रखनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ ये ड्रग यूज नहीं होती है अभी, क्योंकि इससे बेटर ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है, केवल एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए ड्रग यूज होती है। ठीक है, पहले टाइम पे हुआ करती थी फिनाइलिन टेट्राजोल, जो लास्ट मैंने आपको ड्रग बताई है, ये रेस्पिरेटरी अगर किसी को पैरालिसिस हो गई, ठीक है, सांस नहीं ले रहा, रेस्पिरेटरी मसल्स पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई, तो उस केस में यूज होता था, सर्कुलेटरी फेलियर के केस में यूज होता था, तो लेकिन अब नहीं यूज होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए ड्रग यूज होती है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी थी कन्वर्जेंट जो हमने अभी कवर की, इसके बाद हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, मैं इसे हटा रही हूं, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास, एनालेप्टिक्स। ठीक है, अब ये एनालेप्टिक्स क्या है, ये सिंपल से है, ये हमारे होते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ये स्पेसिफिकली केवल रेस्पिरेशन, जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना उस पर इफेक्ट डालते हैं। अभी तक आपने ये देखा था ये जनरलाइज्ड थे कन्वर्जेंट, कोई इनका एरिया स्पेसिफिक नहीं थे कि ब्रेन के इस एरिया पे काम करेंगे या इस एरिया पे करेंगे, सारे न्यूरॉन्स पे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एनालेप्टिक्स हैं ये बेसिकली क्या है आपके, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है,
सीएनएस स्टिमुलेंट के अंदर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। तो ये लेने के बाद केवल कौन सा सेंटर आपका स्टिमुलेट होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर। जो इफेक्ट आएगा वो किस पे आएगा, रेस्पिरेशन पे आएगा, ठीक हो गया। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग हमारे पास अवेलेबल है वो है डॉक्साप्राम। कौन सी ड्रग है हमारे पास, डॉक्साप्राम। ये ड्रग जो है ये एनालेप्टिक्स की कैटेगरी में आने वाली ड्रग है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा डॉक्साप्राम है ये किस तरीके से काम करता है, फिर इसकी इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे क्योंकि ये यूज होता है, ठीक है। जैसे इस केस में तो मैंने बोला था कि इनका यूज होता ही नहीं है, केवल एक्सपेरिमेंटल टूल की तरह यूज हो रहा है। डॉक्साप्राम को पहले समझ लेते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है, जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी में जो कैरोटिड बॉडी है वहां पे क्या होते हैं, हमारे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मैं यहीं पे इसे बना दे रही हूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, चलिए, ये आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं हम, कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो डॉक्साप्राम क्या करता है, डॉक्साप्राम जब आप लेते हैं आईवी रूट से देते हैं इसे इंट्रावेनस, ठीक है, तो ये क्या करता है आपका इन कीमो रिसेप्टर्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही ये कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, वैसे ही क्या होता है आपका, सीधे क्या होता है, ब्रेन को मैसेज जाता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा में स्पेसिफिकली, और आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेड्यूला ऑब्लंगाटा में वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया एक्टिवेट, और आप जानते हो जब भी रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट सबको पता है, ठीक है, एक मिनट में आप कितने बार सांस ले रहे हो, ठीक है, वो आपका रेट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ टाइडल वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ एयर इनहेल ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, जब आप नॉर्मल इनहेल करते हो, नॉर्मली कोई फोर्सफुल इनहेलेशन नहीं है, नॉर्मली जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो लेकिन जैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा तो ये टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि अगर आप नॉर्मली भी सांस लोगे तो जो टाइडल वॉल्यूम है यानी कि अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर जा रहा है वो ज्यादा जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये था डॉक्साप्राम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे ये काम करता है, वो सिंपल है ना, कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, मैसेज गया रेस्पिरेटरी सेंटर को, और रेस्पिरेटरी सेंटर में ये दोनों एक्टिविटीज आपको देखने को मिली। अब बात ये आती है, चलिए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट काम कैसे करता है तो समझ में आया। अब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ठीक है, डॉक्साप्राम के आपके एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं क्योंकि ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये उसी केस में यूज किया जाएगा जब मैकेनिकल वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सपोज कहीं भी हॉस्पिटल सेटिंग में या आप घर में हैं, अगर किसी को क्या हुआ आपका, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप तब तक आप डॉक्साप्राम पे डिपेंड हो सकते हैं जब तक आपके पास मैकेनिकल वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जब तक नहीं है तब तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मैकेनिकल वेंटिलेशन है तो आप वो ज्यादा सेफ है, इसके कंपैरिजन अगर करोगे इसका कंपैरिजन तो आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन ज्यादा सेफ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात ये आती है कि भाई इसे कौन कौन से सिचुएशन में हम यूज करेंगे। ऑब्वियसली जहां पे आपका रेस्पिरेटरी सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कौन कौन सी वो सिचुएशन है, वन बाय वन हम सारी सिचुएशन को साथ डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है आपकी, डॉक्साप्राम का यूज अगर किसी को क्या हुआ है आपका, हिप्नोटिक ड्रग और ओपियोइड ड्रग पॉइजनिंग हुई है, क्योंकि आप जानते हो इन दोनों ही ड्रग से, वो ड्रग जो हिप्नोटिक्स की कैटेगरी में आती है यानी कि ऐसी ड्रग जिन्हें लेने के बाद आपको नींद आती है जैसे बारबिट्यूरेट्स है, बेंजोडाइजेपिन्स है,
ओपियोइड ड्रग्स आपको बताया ये पेन एनाल्जेसिक के तौर पे यूज करते हैं, मॉर्फीन है आपका, ठीक है। तो ये आपके अगर इन ड्रग्स की पॉइजनिंग हुई है, क्योंकि इन दोनों ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है, इससे रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होता है, ठीक है। और अगर इसके डोज आपने बहुत ज्यादा ले रही है तो कंप्लीटली आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो सकता है, इंसान की इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। तो इन दैट केस हम डॉक्सप्राम को यूज करते हैं, क्योंकि डॉक्सप्राम देने की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो इन ड्रग्स की वजह से क्या हुआ था, आपका डिप्रेस हुआ था। तो सबसे पहला यूज आपको समझ में आ गया होगा कहां पे इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर में। नेक्स्ट जो है आपका, ये अगर कोई इंसान कोमा में है, ठीक है, तो उसमें भी आपका रेस्पिरेटरी रिसस्टिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोमा में जो इंसान है, अगर उसके रेस्पिरेशन को आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, जो शिवरिंग होती है, पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग, ठीक है, शिवरिंग, वो भी कौन सी, पोस्ट ऑपरेटिव। एक्चुअल में होता है क्या, पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट सर्जरी बोल सकते हो उसे, ठीक है। सर्जरी के बाद क्या होता है, जर्नली आपका क्या होता है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत टाइम अगर किसी इंसान की सर्जरी हुई है तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, और शिवरिंग में क्या होता है, आपका बॉडी का जो ऑक्सीजन कंजप्शन रेट है वो बढ़ जाता है। अब जो शिवरिंग के टाइम पे ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक इंसान को चाहिए होता है, ठीक है, तो वहां पे आप डॉक्सप्राम को दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि वो रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप अंदर इनहेल करेंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद जो शिवरिंग हो रही है, जो हाइपोथर्मिया की वजह से हो रही है, टेम्परेचर कम होने की वजह से बेसिकली, तो उसे आप क्या कर सकते हो, ट्रीट करने के लिए डॉक्सप्राम दे सकते हो, क्योंकि डॉक्सप्राम देने के बाद ऑक्सीजन कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा, जो कि शिवरिंग के केस में यही प्रॉब्लम होती है, इसका डील करने के लिए ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके इंसान क्या होगा, बेटर फील करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वैसे शिवरिंग के लिए पैथिडीन को भी यूज करते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आती है ड्रग, बट सेम आपका डॉक्सप्राम आपका पैथिडीन के साथ तरह ही इक्वली इफेक्टिव है, जितना पैथिडीन अच्छा इफेक्ट दिखाता है, सेम उतना ही अच्छा इफेक्ट आपका डॉक्सप्राम भी सिचुएशन में दिखाएगा। तो ये था यूज ऑफ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एनालेप्टिक्स को आप कहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और यूज होता है आपका, जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं, ठीक है, अगर प्री मेच्योर बर्थ हुआ है तो उसके इसमें भी क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा होता है, तो उस केस में जिसको बोलते हैं प्री मेच्योर हाइपोक्सिक कंडीशन, तो ऐसी सिचुएशन में भी डॉक्सप्राम को यूज करते हैं। बट इससे बेहतर आपका ऑप्शन क्या है, आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन, या फिर अगर आप केमिकल में आप आ ही रहे हो तो आप थियोफाइलिन, थियोफाइलिन फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है ऐसे केसेस के लिए, ठीक है, उसके बाद आप डॉक्सप्राम को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यूजेस पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो प्री मेच्योर इन्फेंट्स में जो आपकी एपनिया हो रहा है उसमें आप इसे यूज कर सकते हो, बट सेकेंड चॉइस, ठीक है, प्री मेच्योर इन्फेंट एपनिया, ठीक है। एपनिया मतलब क्या होता है आपका, टेम्पररी सजेशन ऑफ ब्रीदिंग, टेम्पररी होता है वो प्रॉब्लम, कि बच्चे जब आपका प्री मेच्योर बर्थ होता है तो सांस लेने में आपका प्रॉब्लम आती है, एकदम से सांस नहीं ले पाता है, रेस्पिरेटरी सजेशन हो जाता है, तो उस केस में मैं पहले बता चुकी हूँ थियोफाइलिन फर्स्ट चॉइस रहेगा, डॉक्सप्राम आप यूज कर सकते हो ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में या फिर सेकेंड चॉइस की तरह, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ऑल अबाउट एनालेप्टिक्स, इसमें मेन जो ड्रग आती है वो यही है डॉक्सप्राम, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोस्टिमुलेंट, ठीक है, इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई साइकोस्टिमुलेंट है क्या और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम साइकोस्टिमुलेंट को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो साइकोस्टिमुलेंट ध्यान में रखिएगा, साइकोस्टिमुलेंट वो ड्रग है जो कि हमारी क्या करती है, ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट की अंदर ही आ रही है, ये बेसिकली हमारा क्या करती है, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर लेवल के साथ छेड़छाड़ करती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर, ठीक है,
इंसान को अलर्ट रहना है। ये ड्रग कब यूज होंगी? साइको स्टिमुलेंट, आपकी अलर्टनेस को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी मेमोरी और लर्निंग जो पावर है उसे इम्प्रूव करने के लिए, आपके फोकस, आपके कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी सिचुएशन है जहां पे हम क्या करते हैं, साइको स्टिमुलेंट को यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जहां पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अलर्ट नहीं रह रहे, बार बार नींद आ रही है, जैसे जिसमें नार्कोलेप्सी आपकी एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होती है, दिन के टाइम भी आप सोते रह रहे हैं, वो प्रॉब्लम है ना, आपको क्या रहना है, अलर्ट रहना है, वेकफुल रहना है। तो ऐसी सारी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, साइको स्टिमुलेंट्स को यूज करते हैं। तो देखें यूजेस तो फिर लास्ट में आ जाएंगे कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, अभी पहले हम ड्रग्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो साइको स्टिमुलेंट की कैटेगरी में जो हमारी ड्रग आती है वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली ड्रग जो इस कैटेगरी में आती है वो है एम्फिटामीन। एम्फिटामीन, ठीक है, इसी के साथ साथ एक और आपकी ड्रग है जो इसी कैटेगरी में आती है, वो है आपकी मिथाइलफेनिडेट। दोनों को मैं साथ में इसमें लिख रही हूं क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म सेम है, मिथाइलफेनिडेट। देखते हैं दोनों को ध्यान में रखना, ये दोनों ही जो ड्रग हैं ये एडीएचडी के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। मैं साथ साथ यूजेस कवर करती हुई चल रही हूँ। एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये ऐसा डिसऑर्डर है जनरली ये बच्चों में देखने को मिलता है आपका। इसमें इंसान क्या करता है, अटेंशन डिफिसिट, यानी कि इंसान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, आप उसे कोई टास्क दे रहे हो वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इंसान के अंदर टॉकेटिवनेस बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा बोलना। ठीक है, इवन आप देखोगे ऐसा इंसान अपने, अगर आप कोई गेम भी खेल रहे हैं या कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं नॉर्मली, तो आप वो अपने टर्न का वेट भी नहीं कर पाता है, उसके अंदर इतना ज्यादा आपका क्या रहता है, इम्पेशेंट वो आपका पर्सन होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में एडीएचडी, अब ऐसे इंसान को क्या चाहिए कि भाई उसका फोकस बने, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन उसका मेंटेन हो, तो वो उस चीज के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो अलर्टनेस किस वजह से आती है, ऑब्वियसली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इस चीज में हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो हमारा जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन है और डोपामीन है, ये दोनों ही क्या करते हैं, अलर्टनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ठीक है, थीके? जो हम वेकफुल रहते हैं, ठीक है, हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है, अलर्ट रहने के लिए ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हमारी हेल्प करते हैं। तो ये देखिए ये दोनों मेडिसिन कैसे काम करती है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, देखो ये मान लो एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल में क्या है, आपका केमिकल स्टोर है, कौन सा, मैं किसकी सिंपैथेटिक की बात कर रही हूं, तो ये हमारा क्या है, नॉरएड्रेनालिन है या फिर डोपामीन है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब हमारा एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचता है तो उससे क्या होता है, ये जो वेसिकल है ये बर्स्ट होती है, इसके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके कहाँ आ जाता है, क्लेफ्ट में आ जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैंने क्या बताया था कि जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके क्लेफ्ट में आता है, इसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, या तो ये पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसके सरफेस में जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड हो, ठीक है, उसके साथ बाइंड हो और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ठीक हो गया। दूसरा इसका क्या है, आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे जो हमारा प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है इसके टर्मिनल में हमारे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये कुछ आपका न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा होता है जो इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस कहाँ चला जाता है, आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर चला जाता है, ये इस तरीके से अंदर चला गया। और फिर इस न्यूरॉन का क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी वेसिकल है, वेसिकल में भी हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनको वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, इन ट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ये जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एड्रेनलिन हो चाहे डोपामीन हो जो ऊपर आया था ये क्या करेगा, वापस वेसिकल के अंदर एंट्री ले लेगा। यही प्रोसेस मैंने समझाई थी आपको, ठीक है, ये होता है। अब आपको पता है कि जो एडीएचडी का पेशेंट है, ठीक है, जिसको एडीएचडी है उसके ब्रेन में
एनए और डोपामिन का लेवल कम है, ठीक है, हमें उसी को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमें चाहिए कि जो पर्सन है वो अलर्ट रहे, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी इम्प्रूव हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्फिटामिन और मिथाइल फेनिडेट देते हैं. ये दोनों ड्रग क्या करती है, देखो ये सीधे सीधे, ये दोनों ड्रग एम्फिटामिन और मिथाइल फेनिडेट, मैं एम्फिटामिन ए लिख रही हूँ, मिथाइल फेनिडेट को एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ये दोनों ही ड्रग क्या करती है, सबसे पहले तो ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टर है इसको इनहिबिट करेगी, और साथ ही साथ जो ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर है इसको भी क्या करेगी, आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है इसे इनहिबिट करेगी. यानी कि जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं इनके थ्रू, जिन जिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू नॉरएड्रेनालिन या फिर डोपामीन जाया करता था, एंट्री लेता था, उन ट्रांसपोर्टर्स को खुद यूज कर लेंगे. यानी कि इसके बदले सपोज ये नॉरएड्रेनालिन इस ट्रांसपोर्टर से अंदर जाया करता था, तो एम्फिटामीन अब इस जगह से अंदर जाने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन क्लेफ्ट में ज्यादा रह जाएगा, फटाफट अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इफेक्ट जो आएगा बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा. समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, एम्फिटामीन और मिथाइल फेनिडेट करते क्या है, ये इन ट्रांसपोर्टर्स को खुद यूज कर लेते हैं और नॉरएड्रेनालिन और डोपामीन को यूज नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से अगर ये डोपामीन है, सपोज रेड कलर से मैंने डोपामीन दिखाया है, ये भी रिलीज हुआ होगा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन और जो आपका डोपामीन है उसका लेवल सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा. और इफेक्ट होता क्या है, जो हमारा आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे डोपामीन है हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, इंसान को मोटिवेटेड रखता है, ठीक है, जो मोटिवेशन आ रहा है उसके लिए डोपामीन बहुत ज्यादा जरूरी है. नॉरएड्रेनालिन भी सेम मैंने बताया था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको डील करने में हेल्प करता है, ठीक है, आपको अलर्ट रखता है. तो ये आपका क्या है, समझ में आ गया एम्फिटामीन और मिथाइल फेनिडेट का मैकेनिज्म कैसे काम करेंगे, कैसे ये नॉरएड्रेनालिन और डोपामीन के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आती है वो क्या है आपका, कोकेन, ठीक है, कोकेन सबको पता है, ठीक है, ड्रग ऑफ एब्यूज की कैटेगरी में भी आती है ये, ठीक है. तो कोकेन बेसिकली क्या करता है आपका, ये भी आपका साइकोस्टिमुलेंट है, हालांकि अगर लो डोज में आप देते हो तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन करेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी डोज आपकी बढ़ेगी और आप कॉन्टिन्यूसली अगर कोकेन को यूज करते हैं तो उसकी वजह से ये यूफोरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इंसान को अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन साथ में ये पैरानोइया की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है, इंसान को साइकिक बना सकता है, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात को दिमाग में रखना, ठीक है. तो जो कोकेन है वो क्या करता है, कोकेन का मैकेनिज्म जस्ट सेम है, ये क्या करता है, जैसे एम्फिटामिन और मिथाइल फेनिडेट तो इन ट्रांसपोर्टर को यूज करके आपके क्या जा रहे थे, एक्सोनल मेम्ब्रेन से अंदर जा रहे थे या फिर ये वेसिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे थे, लेकिन कोकेन बहुत सिंपल काम करता है, ये सीधे सीधे जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना इसे ब्लॉक कर देगा, ठीक है. ये खुद ऐसा नहीं है कि इस ट्रांसपोर्टर को यूज करके अंदर जाएगा और नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामिन को यहाँ छोड़ देगा, ये सिंपली क्या करता है, जो हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है. तो जब ये ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन कहाँ रह जाएगा, क्लेफ्ट में, और इसका इफेक्ट क्या आएगा, बहुत अच्छा आएगा. समझ में आ गया, ठीक है, इफेक्ट में वेरिएशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो है कोकेन कवर हो गया, इसके बाद बात करेंगे फोर्थ ड्रग साइकोस्टिमुलेंट, जो कि क्या है हमारी कैफीन, कैफीन, ठीक है, जो हमारी टी लीव्स में प्रेजेंट है, कॉफी में प्रेजेंट है, ये तो बहुत पहले टाइम से यूज हो रही है साइकोस्टिमुलेंट की तरह, है ना. अगर हमें एग्जाम टाइम में नींद आती है तो हम कॉफी पी पी के क्या करते हैं, नींद को भगाते हैं. तो ये जो आपका कैफीन है किस तरीके से वर्क करता है ये चीज समझिए, ठीक है. हमारे क्या है ब्रेन में एडिनोसिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एडिनोसिन के, ठीक है, एडिनोसिन जिसमें आपका एटीपी है, एएमपी आता है, एडीपी आता है, ये सारे एडिनोसिन के एनालॉग हैं, ठीक है, इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कैफीन में एडिनोसिन का A2A रिसेप्टर, ठीक है. एडिनोसिन के बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, A1, A2, A2 की भी दो आइसोफॉर्म है, A2A, A2B, और तीसरा है A3 रिसेप्टर, ठीक है. अभी हमें मतलब केवल A2A से है क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेकफुलनेस अलर्टनेस की, ठीक है. तो कैफीन कैसे काम करता है, हमेशा क्या होता है, जब भी एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन A2A रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये क्या करता है आपका
स्लीप इंड्यूस कराता है, ठीक है। तो जब भी A2A रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा किसी भी वजह से, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा आपका, स्लीप प्रोड्यूस होगी, याद रखिएगा, ठीक है। एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा आपका, स्लीप इंड्यूस होगी, ठीक है। अब आपको पता है आप साइको स्टिमुलेंट क्यों दे रहे हो बेटा, कॉफी क्यों पी रहे हो, ताकि आप जगे रहो ना। तो ये क्या करती है, कैफीन क्या करती है, इस रिसेप्टर को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो स्लीप इंड्यूस होगी, नहीं होगी ना, तो इंसान क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, जगा रहेगा। तो ये वेकफुलनेस को इंड्यूस करेगा, मैकेनिज्म समझ में आया, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर से अभी कोई लेना देना नहीं है, सेम अभी आपको मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि जो आपका एडिनोसिन है वो अपने इस रिसेप्टर से बाइंड होकर स्लीप इंड्यूस कराता है, लेकिन जो कैफीन है उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, तो स्लीप इंडक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ देखो एक और इसका मैकेनिज्म है, वो क्या है, जब मैंने आपको बताया था साइक्लिक एएमपी पाथवे आपने पढ़ा था, तो आपने क्या देखा था कि जब भी ये कोई सेल है, सेल सरफेस में आपका GPCR रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, इस रिसेप्टर से मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है, सपोज कोई भी लिगेंड है, और अगर ये रिसेप्टर साइक्लिक एएमपी पाथवे फॉलो करता है और GS स्टिमुलेटरी प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो होता क्या है आपका, फटाफट से ये बाइंडिंग की वजह से आपका क्या होता है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो हमारा एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसके एक्टिवेशन की वजह से जो अंदर हमारा ATP है वो किस में कन्वर्ट होती है, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होती है, पूरा पढ़ा है बेटा डिटेल में, है ना। और ये साइक्लिक एएमपी क्या करती है आपकी, क्या करती है, ऑब्वियसली ये क्या करती है आपका, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है, ठीक है। और प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है और क्या करता है ये आपका, नॉर एड्रेनलिन या एफिनेफ्रिन रिलीज को क्या करता है, बढ़ाता है, ये मैं बात कर रही थी, ठीक है। ये आपकी साइक्लिक एएमपी पाथवे की बात हो रही है कि नॉरएपिनेफ्रिन, जब भी आपका साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होगा तो सेल के अंदर, यानी कि एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर से नॉरएड्रेनालिन का रिलीज होगा। अब होता क्या है कि ये साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है PDE फॉस्फोडाइस्ट्रेज। ये साइक्लिक एएमपी को क्या कर देता है आपका, डिग्रेड कर देता है, यानी कि 3-5 साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पीडीई की वजह से क्या हो रहा है, साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता जा रहा है, जितना कम साइक्लिक एएमपी न्यूरॉन के अंदर रहेगा उतना ही कम नॉरएड्रेनालिन का रिलीज होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपके पास एक और आपका जो हमारा कैफीन का मैकेनिज्म है वो क्या है, वो क्या करता है, कैफीन इस फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। एक मैकेनिज्म तो आप समझ गए एडिनोसिन वाला, कैफीन क्या कर रहा है, इस फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो साइक्लिक एएमपी है उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, साइक्लिक एएमपी का लेवल सेल के अंदर यानी कि न्यूरॉन के अंदर ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा साइक्लिक एएमपी का लेवल रहेगा उतना ही ज्यादा नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा। तो समझ में आ गया, और नॉरएड्रेनालिन क्या करता है, हमें अलर्ट रखता है, जो हमें चाहिए, अलर्ट रखेगा, फोकस्ड रखेगा, ठीक हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हमारी मेंटेन करके रखेगा। तो ये आपका क्या है, मैकेनिज्म है कैफीन का। पहला समझ में आया था A2A, एडिनोसिन का जो 2A रिसेप्टर है उसे ब्लॉक करेगा, तो स्लीप इंड्यूस नहीं होगी, क्या होगा, इंसान जगा हुआ रहेगा। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी की कॉन्सेंट्रेशन सेल और न्यूरॉन के अंदर बढ़ जाएगी, जिसके वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज फ्रॉम द न्यूरोनल टर्मिनल आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कैफीन के और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइको स्टिमुलेंट है भी यही, सबसे जो वाइडली यूज होता है। बाकियों के साथ कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम भी है, ठीक है, कुछ दिक्कत भी है, अब वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी, अभी फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये हमारा CNS मेनली CNS स्टिमुलेंट ही है, आपका लेक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो ड्रग आती है वो है मोडाफिनिल। क्या है, मोडाफिनिल। अब ये मोडाफिनिल ड्रग कौन सी है, ठीक है, मोडाफिनिल ड्रग क्या करती है आपकी, ये आपकी स्पेसिफिकली डोपामीन के अपटेक को रोकती है, ठीक है। ऐसे ही आपके ट्रांसपोर्टर, जैसे ये ट्रांसपोर्टर था जिसके थ्रू नॉरएड्रेनालिन का अपटेक होता था, वैसे ही डोपामीन का भी ये ट्रांसपोर्टर है, जिसके थ्रू क्या होगा आपका, डोपामीन का अपटेक होगा। रेड कलर से हमने डोपामीन दिखाया था, है ना, ये हो गया, ठीक है। तो मोडाफिनिल क्या करता है, डोपामीन के अपटेक को ब्लॉक करता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो मोडाफिनिल डोपामीन पे काम करेगा, नॉरएड्रेनालिन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा।
अनलाइक जैसे एम्फिटामिन और मिथाइलफेनिडेट के साथ क्या था है कि दोनों के ट्रांसपोर्टर पे दोनों पे इफेक्ट दिखाता था, कोकेन भी दोनों पे इफेक्ट दिखाता था, लेकिन मोडाफिनिल केवल डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को रोकेगा, तो डोपामिन का लेवल सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज्यादा रहेगा। और आप जानते हो ना डोपामिन का क्या इफेक्ट है, डोपामिन क्या करता है, इंसान को मोटिवेटेड फील कराता है, ठीक है, इंसान को, इंसान की जो आपका क्या है, सबसे पहले उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, जो उसकी लर्निंग मेमोरी है, वो सबको इम्प्रूव करने का काम करता है, ठीक है, आपके जो आपके मोटार कोऑर्डिनेशन के लिए आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, जो आपका मोटार कोऑर्डिनेशन है उसके लिए जरूरी है। तो मोडाफिनिल को बेसिकली ये क्या करता है, आपका डोपामिन के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, और डोपामिन आपको अलर्ट रखता है, वेकफुल रखता है, ठीक है। तो ये कौन सी सिचुएशन में आप यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। मोडाफिनिल का यूज, ये बहुत पॉपुलर ड्रग है, सबसे पहली बात तो ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो मोडाफिनिल है इसका यूज हम कब करते हैं, जेट लैग की सिचुएशन में करते हैं, यूज होता है, FDA अप्रूव्ड है ये ड्रग, ठीक है। नार्कोलेप्सी में इसका यूज होता है, नार्कोलेप्सी कौन सी सिचुएशन है, देखो मोडाफिनिल बता देते हैं यहाँ पे, नार्कोलेप्सी मतलब एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, अगर दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो तब हम मोडाफिनिल को यूज करते हैं, ये FDA ने अप्रूव किया है फॉर नार्कोलेप्सी, ठीक है। तो बेसिकली डोपामिन का लेवल जब आप इंप्रूव करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस रहती है, आप वेकफुल रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ मैंने दूसरी सिचुएशन क्या बोली थी, जेट लैग। जेट लैग में क्या होता है, जब आप एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नींद में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है ना, यहाँ पे आप दिन में काम कर रहे थे, वही आर्स थे आपके, वहां पे आपका टाइम जोन आपका क्या करेगा, वेरी करेगा, तो जो आपकी स्लीप वेक साइकिल होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके लिए भी मोडाफिनिल को यूज किया जाता है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो शिफ्ट वर्क करते हैं, ठीक है, सपोज आपका क्या कर रहे हैं, आपकी नाइट शिफ्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, दिन के टाइम आपको सोना है, रात के टाइम काम करना है, तो इन दैट केस उसके साथ भी आपका जो स्लीप वेक साइकिल आपकी डिस्टर्ब हुई है उसको बैलेंस करने के लिए भी मोडाफिनिल को यूज किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर नाइट शिफ्ट है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको जगे हुए रहना पड़ेगा, तो मोडाफिनिल को वहां पे भी यूज किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये आपकी क्या है, साइको स्टिमुलेंट्स है, आई होप सबके मैकेनिज्म मैंने क्लियरली आपको बता दिए हैं कौन सी ड्रग किस तरीके से काम करती है। लेट मी चेक अगर कुछ इससे रिलेटेड छूट रहा है पॉइंट तो, है ना, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा ये जो एम्फिटामीन है, ठीक है, और मिथाइलफेनिडेट है, दोनों सेम मैकेनिज्म फॉलो करती है, लेकिन मिथाइलफेनिडेट को ज्यादा ज्यादा बेहतर है एम्फिटामीन से, ठीक है, तो मिथाइलफेनिडेट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। यूज तो मैंने आपको बता दिया है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में इसे यूज करेंगे। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि एम्फिटामीन नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन के लेवल को तो बढ़ा ही रही है, साथ ही साथ ये क्या करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट करती है, और आप जानते हो जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसीलिए ये यूज हो रहा है, ठीक है, ADHD में, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ एम्फिटामिन का एक और यूज आपने देखा होगा कि ये फीडिंग सेंटर जो हमारा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है उसको इनहिबिट करता है, तो इसकी वजह से एनोरेक्सिया की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, ये एपेटाइट को कम कर देता है, ठीक हो गया, एपेटाइट को कम, एपेटाइट सप्रेसेंट है ये बेसिकली, एम्फिटामिन और मिथाइलफेनिडेट दोनों ही दोनों, और दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो साइकोस्टिमुलेंट की तरह मिथाइलफेनिडेट ज्यादा यूज होता है, ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो यूजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ADHD, नार्कोलेप्सी और जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, अगर डिप्रेशन किसी को है तो आप तब भी इन्हें यूज कर सकते हो साइकोस्टिमुलेंट, क्योंकि ये एक सेंस ऑफ वेलबींग देता है कि इंसान को अच्छा महसूस होता है इन ड्रग्स को लेके, तो आप तब भी इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट CNS स्टिमुलेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉग्निशन जो कॉग्निटिव इन्हेंसर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो स्पेसिफिकली मेमोरी पे काम करते हैं, मेमोरी इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी की कुछ ड्रग हैं जो वहां पे भी आपकी यूज होती है, लाइक मोडाफिनिल है, मिथाइलफेनिडेट है, इन्हें भी हम यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो सिचुएशन है, ADHD की सिचुएशन और नार्कोलेप्सी की सिचुएशन, इसमें आपका कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ, कॉग्निशन इम्प्रूव तो हमें करना ही पड़ता है, ठीक है, साथ ही साथ ये इफेक्ट भी हमें चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी की ड्रग हैं जो वहां पे भी हम यूज करते हैं, क्योंकि ये कॉग्निटिव इन्हेंसर की तरह भी यूज होती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।